नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इन्फॉर्मर के और एक नए एपिसोड में। दोस्तों 20वीं सदी का सबसे घातक हथियार कौन सा है आपके मन में, तो परमाणु बम आया होगा। परमाणु बम तो घातक है ही। 1945 में अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तब 2 लाख लोगों मारे गए थे। लेकिन परमाणु बम से भी ज़्यादा जाने लेने वाला भी एक हथियार है, वह है एक छोटा सा हथियार है। उस हथियार को आप साथ में लेकर घूम सकते हो। उस हथियार का नाम कलाश्निकोव 47, यानी आप उसे AK-47 के नाम से जानते हैं। कहानी सच्ची है AK-47 की। दोस्तों AK-47 यानी मेरा आविष्कार रूसी सैनिक मिखाइल कलाश्निकोव ने 20वीं सदी के मध्य में किया था। दोस्तों मेरा AK-47 नाम मिखाइल कलाश्निकोव के नाम से पड़ा है। 10 नवंबर 1919 को जन्मे कलाश्निकोव ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना में एक टैंक मैकेनिक थे। 1941 में सोवियत संघ पर जर्मनी ने आक्रमण किया था, जिसमें वह घायल हो गए थे। जर्मनी के बेहतरीन अग्नियास्त्रों द्वारा प्रदान की गई युद्ध क्षमता को प्रत्यक्ष रूप में देखने के बाद कलाश्निकोव ने एक बेहतर हथियार विकसित करने का संकल्प लिया। सेना में रहकर कलाश्निकोव ने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए। अंततः कलाश्निकोव ने मुझे यानी AK-47 को बनाया। 1949 में मैं सोवियत सेना की असल्ट राइफल्ट बन गई। बाद में मैं वर्षा शैंडी के अन्य देशों द्वारा मुझे अपनाए जाने के बाद मैं दुनिया भर में फैलने लगा। मैं वियतनाम, अफगानिस्तान, कोलंबिया, मोजम्बिक जैसे देशों में क्रांति का प्रतीक बन गया। दोस्तों मैं एक क्रांतिकारी राइफल बन गया, इसलिए मेरा महत्व बढ़ गया था। दोस्तों मुझे बनाना सस्ता था। मैं छोटा और हल्का होने की वजह से मुझे एक से दूसरी जगह ले जाना आसान था, तथा मुझ में बहुत कम झटका लगता था। मैं पानी से भरे जंगलों से तथा रेगिस्तान के तूफानों तक, अत्यधिक ठंड और गर्मी के में कठोर परिस्थितियों में मैं अपनी विश्वसनीयता का परिचय देता रहा, और मैं जाम भी नहीं होता था। दोस्तों मैं अमेरिकी सेना की M16 राइफल की तुलना से श्रेष्ठ था। इसका एक उदाहरण है, दोस्तों वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक अपनी M16 राइफल फेंक कर मुरत वियतनामी सैनिकों से मुझे यानी AK-47 और गोलियां छीन लेते थे। दोस्तों दुनिया के करीब 106 देशों में मेरा यानी AK-47 असल्ट राइफल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अनुमान है कि AK सीरीज की सभी वेरिएंट के 10 करोड़ राइफल्स दुनिया में उपस्थित है। दोस्तों मेरी कीमत की बात करें तो मेरी कीमत अलग जगह अलग है। ट्रांजिशनल क्राइम इन डेवलपिंग वर्ल्ड नाम की स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में मेरी कीमत $150 है, यानी भारतीय रुपये में 11,471 रुपये है। अफ्रीका के देशों में मुझे सेना और विद्रोही पसंद करते हैं, उसके कारण अफ्रीका के बाज़ार में मैं भरा पड़ा हूँ। यहाँ पर मेरी कीमत कम हो जाती है। दोस्तों मैं कितनी गोलियाँ दाग सकता हूँ यह देख लेते हैं। दोस्तों मैं पूरी तरह से ऑटोमेटिक सेटिंग के अंदर 600 राउंड गोली फायर कर सकता हूँ। दोस्तों मुझ में 7.62x39mm की गोलियाँ भरी जाती हैं। सेमी ऐटो मोड पे 40 राउंड प्रति मिनट और ब्रस्ट मोड पे 100 राउंड प्रति मिनट निकलती है। आमतौर पर मेरी रेंज 350 मीटर है। दोस्तों पूरी दुनिया में मुझसे खतरनाक और घातक राइफल बनी नहीं है। दोस्तों मेरे 300 से 350 मीटर के रेंज के अंदर आने वाला दुश्मन सीधे यमराज के पास चला जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि मेरी वजह से हर साल 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं।
यह है मेरा ख्वाब। दोस्तों, मेरी एक ही सीरीज की फिलहाल दुनिया में 17 वेरिएंट अलग अलग देशों, सैन्य समूहों, विद्रोहियों, आतंकवादियों के बीच उपयोग में लाए जाते हैं। यह 17 वेरिएंट आगे है AK-47, AKM, AK-74, AK-74M, AK-101, AK-102, AK-103, AK-104, AK-105, AK-12, AK-12K, AK-15, AK-15K, AK-200, AK-205, AK-203 और AK-19। यह AK-19 सबसे लेटेस्ट राइफल है। तो दोस्तों, यह थी मेरे यानी AK-47 की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।